बट एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का है, बट बहुत काम का चीज है, ठीक है। देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताएंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहे बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देखो ये जो टॉपिक है बेटा, तीन चैप्टर को कनेक्ट करके रखा है। एक तो जिस चैप्टर में है उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, उसके क्वेश्चन मतलब इसके थ्रू सॉल्व होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, और केमिकल बॉन्डिंग 11 का, ये तीन चैप्टर को ये कनेक्ट करके रखता है। अगर 12th में जाओगे तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक, नहीं 12th में तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक मिलेगा, एस पी डी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब इसी चैप्टर इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है बेटा। पीरियोडिक टेबल याद होने के साथ साथ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। याद किया इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प ऐसे एटॉमिक नंबर एलिमेंट के बेटा, कम से कम 30 तक तो याद होगा ही ना, होगा ना बेटा। यस सर। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मिला जाता है, कहाँ मिलेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। तो तुम लोग बचपन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे बोर्ड्स बेरी रूल्स पढ़ के आए हो गए, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है बेटा बचपन में पढ़े हो गए, मतलब जहां तक 9th क्लास में बोर्ड्स बेरी प्रिंसिपल या रूल्स पढ़े हो गए। जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11। इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते थे, 2 8 1 ऐसे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, फिर तीन गोला बनाते थे। याद आ रहा है कुछ, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इसको क्या बोलते थे, के एल एम, याद आ रहा है ना बेटा। यस सर। पीसी का एडवांस वर्जन यहाँ देखेंगे, 3 3 6 2 8, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट वाले में कितना हुआ है, तो अब यहाँ पे जो बेटा 8 है वो 8 एक्चुअल में कहाँ पे है, ये 2 है तो ये 2 कहाँ पे, ये 1 है तो ये कहाँ पर है, किसी एलिमेंट के ऑर्बिट में। एक और भी लोकेशन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में पढ़े हैं, और 288 इसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, वो बोर्ड्स बेरी वाला था, ठीक है ना बेटा। अब जो हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स हैं, उन रूल को मिलाकर, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा एटम्स। ओहो कौन माइक ऑन कर रहा है बेटा, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए बेटा जो एटम्स है उस एटम में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है किस जगह पे, तो ये पता होना चाहिए बेटा। तो उससे पहले पता होना चाहिए एटम्स कैसा होता है, कैसा होता है बेटा एटम, स्पेरिकल शेप में एटम कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल शेप में, ठीक है ना बेटा। और एटम्स से बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो इसको क्या बोलते थे पहले बचपन में बेटा, के ऑर्बिट, याद आ रहा है बेटा। यस। तो बोलते हैं सेकेंड को एल, थर्ड को क्या बोलते हैं एम, एन, ऐसे चलता था बेटा। अब क्या करेंगे, ओ पी क्यों, उससे अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज, अब इसको बोलते हैं एन इक्वल टू वन, क्या बोलेंगे बेटा इसे, एन इक्वल टू वन मतलब एन वन बोल सकते हो, एन इक्वल टू टू सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड फोर्थ, तो ये क्या है हमारा बेटा सर्कुलर पाथ अराउंड टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, या इसी को क्या बोला जाता है बेटा अब सेल, ठीक है ना बेटा। क्लियर है सभी को, इतना नॉलेज तो सब 10th क्लास में गेन कर लेते हैं बच्चा लोग। तो एटम्स में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना बेटा, 1 2 3 नहीं, कोई भी एटम छोटा हो या बड़ा हो सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। डिफरेंस किस बात का है बेटा, जहां तक इलेक्ट्रॉन होगा वो रियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इमेजिनरी, ऐसा बोर्ड्स थ्योरी कहता है।
ठीक है ना, 11th में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल में। तो फिलहाल एटम में बहुत सारे ऑर्बिट है बेटा, 1, 2, 3, 4 ऑर्बिट के अंदर बेटा छोटे छोटे ग्रुप होते हैं बॉक्स के, जिसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। तो ये याद रखना बेटा, पहले में सब सेल होता है एस, सेकेंड में बेटा एस पी, थर्ड में होता है एस पी डी, थर्ड में निकलोगे तो फोर्थ में निकलोगे तो क्या आएगा बेटा, एक और बढ़ जाएगा। किसी को आइडिया है? SPDF. F. F. तो पीरियोडिक टेबल में तुमको एस पी डी एफ टर्म्स मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, यस। ये इन्हीं के कारण है। इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। चाहे एस वन का हो, टू का हो, थ्री का हो, फोर का हो, कहीं के भी एस में गया तो वो कौन सा ब्लॉक होगा बेटा? एस ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक क्यों कहेंगे बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक क्यों कहेंगे? कि इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना बेटा, ऑर्बिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से। ये क्या क्या होता है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सब सेल क्या होता है बेटा? ऑर्बिट के अंदर होता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्लियर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कैसे करता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सब सेल। ऑर्बिट कौन सा है बेटा? 1, 2, 3 तो हमारे पास सब सेल कौन सा होगा बेटा? एस के अंदर कौन सा सब सेल होगा जी? 1 के अंदर कौन सा सब सेल होगा? ओनली एस, ठीक है ना बेटा। तो 1 का इसलिए, ठीक है बेटा। 2 के अंदर कौन कौन से होंगे? एक बढ़ जाएगा एसपी, एसपी, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्या लगा देंगे बेटा? ये 2 का है, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। उसके बाद 3 के अंदर क्या है बेटा? एस पी डी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? ये 3 का है तो आगे 3 लगा देंगे। क्लियर है बेटा? यस यस सर। तो ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? ये सब याद रखना बेटा, समझना कम है ना। ऑर्बिट के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। सबसेल के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे बॉक्स, ठीक है ना बेटा। तो एस के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 1 1। ये क्यों होंगे? क्वांटम नंबर पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे, तो कितने बॉक्स होंगे? 1। पी के अंदर बॉक्स ऑड नंबर में बढ़ाना बेटा, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3। वेरी गुड, 1, 2, 3। डी के अंदर कितने होंगे बॉक्स बेटा? फिर 5। समझ में आ गया ना बच्चा लोग? यस सर। तो ये याद रखना, एक तरह से बोल सकते हो देखो बेटा, एटम के चारों ओर सर्कुलर पाथ, ये क्या बेटा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ अराउंड टू द न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा लोग? इस बॉक्स के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। देखो एकदम, मतलब इलेक्ट्रॉन ना हुआ सोना चांदी हुआ उस एटम का नहीं, वो भी कम, ठीक है ना। मान लो एक घर है एटम, तो घर के अंदर बेटा रूम, रूम के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर कबर्ड, मतलब अलग अलग सेक्शन बने होते हैं ना बेटा, उसमें जाके इलेक्ट्रॉन को छुपा के रखे हैं, है ना बेटा? यस सर। तो इस तरह से याद रख सकते हो ना बेटा, जैसे पैसा उसे रखने का, इलेक्ट्रॉन हो गया पैसा, तो घर में पैसा कहाँ छुपाते हैं? घर होगा, घर के अंदर स्पेशल रूम होगा, उस स्पेशल रूम के अंदर एक तिजोरी होगा, ठीक है ना बेटा, लॉकर होगा, उस लॉकर में भी स्पेशल कंपार्टमेंट होगा जिसके अंदर पैसा रखा जाता है छुपा के अंदर, ठीक है। जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके घर में पैसा ही कम रहता है, कहीं भी रख रहे, गद्दे के नीचे रख देते हैं, तो बेग के नीचे रख देते हैं, तो किसी चावल, क्या बोलते हैं, चावल, चावल बोलता है, शक्कर के डब्बे में रख देते हैं मम्मी लोग, ऐसे छुपा देते हैं, है ना बच्चा लोग?
और आजकल के आजकल नया एक जगह मिल गया मोबाइल के पीछे कवर के पीछे छिपाने वाला ना बेटा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कहाँ पे छुपा के रखा गया इलेक्ट्रॉन को? ऑर्बिटल्स। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है बेटा इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब ये ऑर्बिटल कहाँ पाया जाता है बेटा? सबशेल में। ये बॉक्स अच्छे नहीं लग रहा, अच्छे से बनाते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहाँ होगा बेटा? सबशेल, ठीक है ना। इसको सब ऑर्बिट भी बोल देते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए। सबशेल, सब ऑर्बिट। और ये सबसेल कहाँ होता है जी? ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट। जैसे वो क्या बोलते हैं सेल। और ये कहाँ होता है बेटा? एटम में। तो एटम में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबसेल, सबसेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल। ये है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। एकदम रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो। तो एटम में ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर छोटे छोटे बॉक्स, वन बॉक्स, थ्री बॉक्स। इसके अंदर कितने बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स। 1, इसके अंदर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना बेटा। ये जो डॉटेड लाइन है वो बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना बच्चा लो। ये हुआ, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो सबसे याद रखना बेटा। अब बोलोगे सर एस है, पी है, डी है, तो उसके बाद क्या होगा बेटा? डी एफ, एफ के बाद अल्फाबेट में जो लिखा रहता है जी एच आई जे, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब बोलोगे सर एक बार फिर से पी आएगा, तो सर पी को नहीं लेते हैं, ठीक है ना बेटा। इस तरह से निकलते जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन खूब से खूब किसमें गए बेटा? एफ वाले में गया है। किसमें गया बेटा? एफ, एफ में, ठीक है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सर पहले ये कुछ आइडिया, उस आइडिया से पहले क्या पता होना चाहिए बेटा? एटम्स में कितने और कैसे ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब बॉक्सेस समझ लो अभी। तो क्लियर है बेटा? तो कितने बॉक्स है बेटा? पहले वाले बताओ, एस में 1, पी में कितने बेटा? 3, और डी में कितने बेटा? 5। याद रखना एस में ऑर्बिटल मतलब 1, पी में ऑर्बिटल मतलब 3, डी में ऑर्बिटल मतलब 5, एफ में 7, तो जी में कितने आएगा बेटा? 11, 9, एफ में 7 और जी में क्या होगा बेटा? एफ के बाद जी आता है ना, 9, एस पी, हाँ 9, एस तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और में बढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना तो वहां पता चलेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ तक कैसे पता चले? और उसके बाद याद रखना बेटा ये सबसेल कैसे पता चलता है। तो वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल से, एल का एक तरह का कोड होता है, जैसे बेटा हाउस का नंबर होता है ना, या फ्लैट का नंबर होता है, फर्स्ट फ्लैट है, सेकंड है, थर्ड है, जहाँ पे फ्लैट सिस्टम में होता है तो वहां पे नंबर रहता है ना बेटा। तो वैसे ही सबसेल का नंबर होता है एल के फॉर्म में, कोड होता है एक तरह से समझ लो। तो 0 से स्टार्ट होता है कोड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना बेटा, जहां तक आप काउंट कर सकते हो।
तो ये कोड किसके लिए होता है बेटा? एस के लिए, पी डी एफ जी एच आई एंड सो ऑन। अब बोल लो कि एल क्या है? तो एल है एक क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है बेटा? ये जो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में देता है? सबसेल। याद रखना एल क्या बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या देता है इंफॉर्मेशन? इट गिव्स आइडिया अबाउट सबसेल। बेटा ये सारी चीजें बहुत सारी, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, तो ये सब याद रखोगे बेटा? Yes, अच्छा वहां भी पढ़ाऊंगा तो बेटा वहां पे भी तुमको याद ही रखना है, ऐसा नहीं कि वहां कोई चमत्कार होगा, वहां पे भी बताऊंगा वहां पे भी तुमको याद रखना है। एल क्या है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना? जो क्या बताता है बेटा? आइडिया अबाउट सबसेल। अगर मैं कोड जीरो बोल दूं तो सबसेल कौन सा होगा बेटा? एस। कोड अगर मैं वन बोलता हूँ तो सबसेल कौन सा होगा बेटा? पी। अगर मैं कोड फोर बोलता हूँ तो जी। समझ में आया बेटा? यस सर। अब बेटा एक ऑर्बिटल में ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं जी, इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ये ऐसा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगर ये वाला दिया है तो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और एटम के चारों ओर घूमते रहता है। पढ़े हो गया ऐसा? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमते हुए, जैसे अर्थ सन के चारों चक्कर काटे तो अर्थ क्या होता है बेटा? अर्थ सीधा ऐसे चक्कर काटता है या अर्थ भी अपने जगह पे घूमते हुए काटता है? घूमते हुए। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने जगह पे घूमते हुए गोल गोल घूमेगा। समझ में आया बेटा? इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमते हुए क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का घूमना बताएगा। तो घूमते कैसे बेटा? सीधा घूम सकते हैं बेटा, और मतलब ये उल्टा घूम, नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये सीधा होता है, और आजकल के हिसाब से टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले तो ये सीधा होता है। इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। देखना नेचर में हम लोग जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब इसको सीधा मान के चलते हैं ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज को उल्टा रोटेशन मान के चलते हैं। लेकिन नेचर में जो भी रोटेशन है ये एंटी टाइप का दिखेगा आपको। जब पानी में भंवर भी बनेगा ना तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। कहीं जैसे बरसात हो जाता है, अचानक से गड्ढा हो जाता है, तो वहां पे भंवर बनता है कि नहीं बनता बेटा? Yes, देखना वो एंटी क्लॉकवाइज। जो साइक्लोन बनेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। तो नेचुरल चीजें एंटी क्लॉकवाइज, एक्चुअल में वही सीधा है। बट अब बोल दिए ब्रिटिशियन, मतलब बाहर के लोग आके ज्ञान देके बांट के चल गए हैं, घड़ी ऐसे घूमता तो ऐसे घुमाएंगे हम, ठीक है ना बेटा? तो इस रोटेशन को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है ना? इस तरह से एंड। और एक ये जो है अपोजिट एरो, मतलब डाउन एरो, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, ये क्लॉकवाइज है और ये क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इस तरह का सिंबल बनेगा, एक लाइन दे देगा ऐसे, मतलब वो एक्सिस है इसके ऊपर ऐसे। ठीक है ना बेटा? तो ये क्लॉकवाइज और ये कौन सा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है या तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए क्या वर्ड यूज करेगा बेटा? मतलब टर्म्स नंबर्स यूज करता है प्लस हाफ, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ना बेटा, इसको भी याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। ठीक है बच्चा लोग? यस। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
ठीक है ना, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। हाँ बेटा सर, चल सर आप लोग पढ़ा रहे शायद अब्बा लॉ है ना? नहीं बेटा अभी अब्बा लॉ स्टार्ट कहाँ हुआ, कुछ नहीं स्टार्ट हुआ, पढ़ेंगे अभी। उन सबको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें बताई जा रही है जो वहां पे दिक्कत ना हो, अब्बा लॉ, पॉली लॉ और होम्स लॉ, ठीक है ना बेटा। अब डिस्कस होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए कुछ लॉस। तो एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं सर्कुलर पाथ, सबको समझ में आ गया बेटा। ऑर्बिट मतलब एन, जिसको पहले तुम क्या बोलते थे, फर्स्ट वाले को के, सेकंड वाले को एल, एन एन, ठीक है ना। आज 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्बिट के अंदर बॉक्स के ग्रुप है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और सबऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी से इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग नोट करना बेटा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करने के कुछ रूल्स हैं बेटा, उन रूल को देखेंगे। तो हेडिंग है बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसके अंदर कुछ रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ बाउस लॉ, सेकेंड हुंस लॉ, थर्ड पॉलिस लॉ, ठीक है ना बेटा। ये तीन लॉ को पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर इसी लॉ में हो जाएगा बेटा हमारा मेन काम। अब्बा लॉ इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके, इसको अपग्रेड करके एक रूल बनाया गया है, एन प्लस एल। क्या बनाया गया बेटा, एन प्लस एल रूल। एक करके सभी को डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो n प्लस एल रूल मतलब, पहले उससे पहले देखेंगे अब्बास लॉ। तो बेटा अब्बास लॉ को समझने से पहले कुछ चीजें, फिर वही एक एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या आता बेटा 281 आता है ना जी। क्या करते बेटा, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे बेटा, ऐसे बनाया थे ना, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 8, फिर 1, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1। बेटा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बताना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, और कौन सा ऑर्बिट है बेटा, थर्ड। तो यहाँ पे कौन कौन से सबसेल है, एस पी, और यहाँ पे एस पी डी। वन का है, ये टू का है, और ये किसके हैं जी, थ्री के। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एस में है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, या एस पी डी में किसमें है ये इलेक्ट्रॉन जो वन है। इसको बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, जिसमें अब्बा प्रिंसिपल होन्स और पॉली का यूज होगा, ठीक है ना बेटा। yes, ये 2 एग्जैक्ट कहाँ पे है, 8 कहाँ पे है, 8 में से कितना एस में है, कितना पी में है, वैसे डी में कितना है, पी में कितना है, एस में कितना है, ये सब हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। मतलब ये 8 के अंदर भी
बटा हुआ है, ठीक है ना बेटा? Yes, इसके हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? अबाव प्रिंसिपल का, ठीक है ना बेटा? तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा। उस प्रिंसिपल को समझने से पहले एक चीज और, एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? टू, ठीक है ना बेटा? एक बॉक्स है तो टू इलेक्ट्रॉन, याद रखना, पेयर में रहते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना? ट्रिपलेट नहीं होंगे, डबलेट होंगे, मतलब पेयर में आएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, ये चीजें याद रखना। तो सब सेल अगर एस है, सब सेल क्या है जी हमारा? एस पी डी एफ। तो ऑर्बिटल पता होना चाहिए, कितने ऑर्बिटल है बेटा? 1, 3, 5, 7 मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? एस में टू, एस में टू, थ्री का डबल सिक्स, डी का डबल 14। ये दिमाग में छप गया बेटा इमेज? यस सर, यस सर, यस, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन से बेटा? ऑर्बिटल बोलता हूँ, चलो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? ऑर्बिटल से पहले सबसे सेल कौन कौन से हैं? कौन सा सेल है बेटा? एन इक्वल टू वन, कौन सा सबसे सेल है बेटा? सेल कौन सा? एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे कौन कौन से बेटा बताना? तो सबसे एस वन, वन है, एस वन, हाँ वन एस, वन एस प्रोनाउंस करोगे, ठीक है बेटा? इसमें कौन से हैं? टू एस एंड टू पी, 2p, और इसमें कौन से बेटा? 3s, 3p, 3d, ठीक है ना? ऐसे चलते जाएंगे ना बेटा, बस मैं इतनी से अभी समझने के लिए इतना से काम हो जाएगा। तो बेटा ये सबसेल हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले किसमें जाएगा ये कौन बताता है बेटा? कौन बताता है बेटा? अबाव लॉ, अबाव लॉ, अबाव लॉ। तो हमारे पास सेल है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3, 3p, 3d एंड सो ऑन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा ये कौन बताता है बेटा? अबाव लॉ। मतलब देखो अबाव लॉ क्या कहता था बेटा? इलेक्ट्रॉन वहां पहले जाएगा जहां का एनर्जी कम हो, एनर्जी है कम तो इलेक्ट्रॉन गोस टू लीस्ट एनर्जी। उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन? देन 2s, देन इलेक्ट्रॉन गोस टू हाई एनर्जी, ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा? पहले लो एनर्जी से कहाँ जाता है बेटा? हाई एनर्जी में। ये कौन कहता है बेटा? अबाव लॉ। कौन कहता है बेटा? अबाव लॉ। तो याद रखना बेटा अबाव लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाएगा, लो से कहाँ जाएगा बेटा? हाई में जाएगा, हाई में। क्लियर है? और याद रखना बेटा बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग पता चलता है जो एन का वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब किसका एनर्जी ज्यादा है बेटा? एनर्जी अगर ऑर्डर पूछूं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या पूछूं बेटा मैं? ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो एन वन का, एन टू का, एन थ्री का, किसका एनर्जी ज्यादा होगा बेटा? एन थ्री, एन थ्री का। समझ में आया बेटा? तो अबाव प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? लो एनर्जी, लो एनर्जी के बाद कहां जाएगा बेटा? हाई एनर्जी। यह सिंपल सा याद रखे बोलो तो इलेक्ट्रॉन हुआ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गया बेटा पैसा, ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया बेटा? पैसा, रुपया हो गया, ठीक है? अब अबाव जो है बेटा, अबाव को पैसा बांटना है, तो पहले किसका कल्याण करना है बेटा? गरीबों का, गरीबों पहले का, पहले किसका कल्याण कर, हाँ लो एनर्जी मतलब पहले गरीबों का, उसके बाद अमीरों का, अमीरों का। तो याद रहेगा बेटा? Yes, sir. तो
अब्बास रूल क्या कहता है, पहले गरीबों को दान पहले करेंगे बाद में अमीरों को देखेंगे। तो सबसे पहला गरीब कौन है बेटा? वन एस, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सा गरीब है बेटा? टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी। समझ में आया बेटा? ये है अब्बास लॉ। यस सर। भूलोगे तो नहीं ना? नो सर। अब्बास लॉ कहता है एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोज टू लो एनर्जी ऑफ सबसेल टू हाई एनर्जी ऑफ सबसेल, ठीक है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? लो एनर्जी सबसेल टू हाई एनर्जी ऑफ सबसेल। एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू। ये भी याद रखना बेटा, एनर्जी ऑफ सबसेल। तो हेंस ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। तो बेटा पहले वाले में कौन सा मिलता है बेटा? 1s, 1s के बाद कौन सा सबसेल है बेटा? 2s, 2p, 2p। उसके बाद 3s, 3d। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं ना बेटा, बस थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 4 में जाएंगे तो 4s, 4s, 4p, 4d, 4m, 4s। हाँ, p के बाद d डबल हो गया ना, ये 1s, 2s, 2p, spd, spdf, ठीक है ना। आगे ऐसा चलते रहेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका बेटा? अभी तक जितना बताया उसमें 4f का ज्यादा, सबसे कम किसका है? 1s का। तो अब्बाव बोलता है पहले कौन से गरीब को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा? लो एनर्जी को, मतलब लो एनर्जी को। 1s को वो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके बाद कहाँ जाएंगे बेटा? 2s को मिल गया तो कहाँ जाएंगे बेटा? 2p। समझ में आ गया बेटा? तो पहले कल्याण किसका करना है बेटा? गरीबों का, गरीबों का। उसके बाद कहाँ जाना है बेटा? मिडिल क्लास के पास। अच्छा ठीक है, मिडिल क्लास, उसके बाद अमीरों की, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। जिस तरह से महंगाई बढ़, उसमें मिडिल क्लास तो गरीबी हो गया ना। देखो बताओ, 100 रुपए का पेट्रोल फूक रहा है, नागपुर में तो सेंचुरी पार हो गया होगा पेट्रोल का ना बेटा। यस सर। तो बातें बाकी है, नोट कर लो इसको पहले, ठीक है ना बेटा। तो बड़े सिंपल वे में बता दिया गया ना बेटा अब्बास को। अब भी भूल जाओगे तो फिर क्या करेंगे बेटा? बादाम उदाम पीस के खिलाना पड़ेगा तुम लोग का, दिमाग थोड़ा तेज हो जाए दूध के साथ मिलाकर। क्या ना, बॉर्नविटा वाला दिमाग कभी कभी ठीक से काम नहीं करता। तो अबाव लॉ क्लियर है बेटा? यस सर। अब बेटा अबाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, जर्मन वर्ड है, याद रखना बेटा। हम जब 12th तक थे तो हमने टेक्स्ट बुक हम रीड नहीं करते थे, तो हमको लगता था ना अबाव भी साइंटिस्ट है। बाद में ऐसे फिर पढ़ रहे थे, पढ़ने तो केमिस्ट्री अच्छा लगता है। बिल्डिंग ब्लॉक, हाँ बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो, या बिल्डिंग सिक्वेंस ब्लॉक भी नहीं कहते, मतलब बिल्ड करना कोई टर्म्स को इस तरह से, मतलब एक ऑर्डर बनाना। तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है, पहले फाउंडेशन डालेंगे, उसके बाद तैयार होता है ना बेटा जो भी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो अबाउस में भी एक ऑर्डर बनाया गया है, किसका? एनर्जी का। वो एनर्जी किसका बेटा? सबसेल का।
तो इसीलिए से इस लॉ को क्या बोल दिया गया बेटा, अबाउस। तो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग सीक्वेंस या बिल्डअप या बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग से रिलेटेड है बेटा, बिल्डअप करना। और बिल्डअप करने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए, बेस चाहिए, फिर बेस के बाद फ्लोर बनेगा, फिर फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर, इस तरह से बिल्डिंग तैयार हो जाता है बेटा। सर डन। सर डन। बड़े जल्दी छाप ले बेटा अब्बास लॉ। तो बेटा देखो कई बार क्या होता है ना बेटा, एक्चुअल में कौन गरीब है पता चलता है कि आजकल जिनके घर में खूब सारी गाड़ियां हैं बेटा, दो दो गाड़ियां हैं, उनके पास भी राशन कार्ड मिलता है, बीपीएल कार्ड होता है कि नहीं होता बेटा? यस सर। यस सर। तो अगर देखा जाए तो ऐसा सही में सब कोई वो गरीब है क्या बेटा, उनको जरूरत है क्या? लेकिन फिर भी बनाए रखते हैं, गवर्नमेंट के कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं उससे मिल जाते हैं, कुछ बहुत काम आता है तो बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी बेटा अबाउ जब इलेक्ट्रॉन बांटने गया किनमें, 1s 2s 2p इसमें बांटने गया, तो यहाँ पे कुछ बहरूपे बैठे हुए थे जो अबाउ नहीं पहचान पाया कि एक्चुअल में वो कौन गरीब है इनमें। सबसे पहले जैसे हमारे डेली लाइफ में होते हैं, मतलब लाइफ में आसपास लोग मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, फटा चप्पल पे, मतलब फटा हुआ, मतलब फटा क्या चप्पल, फटा तो टूटा हुआ चप्पल पहन के चलेंगे, ठीक है ना बेटा? एक ही कपड़े को सालों साल घसीटेंगे, अब बोलेंगे यार गरीब हैं हम लोग। और देखा बैंक बैलेंस देखा जाए तो भैया बहुत सारा होते हैं ना बेटा आसपास। यस सर। यस सर। तो वैसे यहाँ पे भी है बेटा कुछ, यहाँ पे देखो पी के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा, एक्चुअल में 4s में जाता है। तो यहाँ पे जो डी है बेटा वो गरीब क्या है बेटा, नहीं है, 4s है। 4s और 3d में देखा जाए तो एक्चुअल में गरीब कौन है बेटा, 3d। तो ये कौन नहीं बता पा रहा था बेटा, ये अबाव के प्रिंसिपल से इनकरेक्ट हो जा रहा था, तो इसी को मॉडिफाई करके एक नया प्रिंसिपल बना दिया गया, एन प्लस एल रूल। कौन सा रूल ला दिया गया बेटा, मॉडिफाइड करके एन प्लस एल रूल। जब वो अपनी 11th में थे ना बेटा, टेक्स्ट बुक में ना एल कुछ ऐसा लिखा होता है ना एल, तो पता ही नहीं चलता था, एन प्लस वन रूल बोलते थे हम। तो फिर टीचर ने पूछा अबाउ लॉ, उसके बाद एन प्लस एल रूल पूछा, तो कभी पढ़े नहीं थे, एन प्लस वन बोल रहे थे, लगा के दिया टीचर ने एक और के, तब उसके पास जिंदगी भर याद रहा वो एन प्लस वन नहीं है, एन प्लस क्या है, एल है। आजकल तो लगाने वाला सिस्टम खत्म हो गया ना बेटा, टीचर लगा देते बोल देते हैं टीचर को सीधा, सर जानता हूँ कौन से रास्ते से घर जाते हो, मिलो फिर रास्ते पे, देख लेंगे सर आपको, है ना बेटा? कोई किया है क्या अपने टीचर के साथ ऐसा? नो सर। हमारे टीचर को कोई ऐसा बोल देते ना तो हमारे टीचर सीधा घर में बुलाते पेरेंट्स, घर से बुलाते पेरेंट्स को, और पेरेंट्स तो टीचर तो धोता ही अलग, पेरेंट्स भी हाथ बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मारो इसको, मतलब खुद को अमरीशपुरी समझना पड़ता था, पेरेंट्स हो जाते थे वहां पे सुनील शेट्टी दिए पड़े हैं। तो अब बॉस लॉ में देखो क्या होता है बेटा, ये जो एनर्जी ऑर्डर है एक्चुअल में करेक्ट एनर्जी ऑर्डर नहीं है, इसमें भी क्या है बेटा, कुछ सेल्स का सब सेल का एनर्जी एक्चुअल में कम है, जैसे 4s का एनर्जी कम है बेटा 3d से। तो ये अब बॉस प्रिंसिपल में कुछ लिमिटेशन था, उसी को करेक्ट करके क्या बना दिया गया बेटा, एन प्लस एल रूल। तो स्टेटमेंट बताने से पहले रुको टाइम देख लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना बेटा? 2b कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर बस देख लो क्या होता है, इससे भी एनर्जी निकाला गया है बेटा। तो एन प्लस एल का वैल्यू क्या हुआ बेटा, वैल्यू अगर हाई हुआ तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा, एनर्जी भी क्या होगा, हाई। एन प्लस एल का वैल्यू लो हुआ, डाउन एरो, एनर्जी भी क्या होगा, हेंस एनर्जी भी लो, एनर्जी लो, ठीक है ना बेटा? पहला केस इतना देख लिया बेटा, समझ में आ गया? तो लो एनर्जी में पहले जाएगा,
बट कभी कभी एन प्लस एल वैल्यू आर सेम तब क्या होगा बेटा, जब एन प्लस एल का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब किसके थ्रू डिसाइड करेंगे बेटा, एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना बेटा। तो ये दो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के थ्रू एन प्लस एल रूल होता है, क्लियर। अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। यस सर, यस सर, बस इसको याद रखना, एन प्लस एल का वैल्यू हाई तो एनर्जी हाई, एन प्लस एल का वैल्यू लो तो एनर्जी लो। अच्छा, कल कंप्लीट करने से पहले हमको एन प्लस एल का वैल्यू निकालने आना चाहिए, तो तुम लोग कल निकाल कर रखना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। कौन कौन सा सबसेल बेटा, 3s, 3p, उसके बाद 3d है ना, 3d का क्या है 4s, इतना कर लो, इतने ही का काम रहेगा 30 एलिमेंट तक का, 1s, 2sp, spd, 4s, चलो 4p, 4d, यहाँ तक कर लेते हैं, जगह है इसलिए। तो कैसे निकालना है बेटा, n प्लस एल निकालना है। तो बेटा n का वैल्यू क्या है, ये जो आगे में नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, n को, तो 1, l है, l का वैल्यू, तो बेटा s के लिए क्या वैल्यू है, देखो तो बताया हूँ, l का क्या वैल्यू होगा s के लिए, 1 0 0, तो ये आएगा 1। अब देखो सेकंड वाले बेटा, n प्लस एल, तो आगे का नंबर वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, n, n, 2, l का वैल्यू 0, बना लोगे बेटा, यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे n प्लस l, बताओ तो जल्दी, n इज इक्वल टू 3, और d का वैल्यू, d है तो l वैल्यू 2 5, यहाँ पर 4 0 4, ठीक है ना। इसका टेबल बना है बेटा l का, 0 1 2, तो सबसेल कौन सा है बेटा, s P, D, है ना बेटा। तो मैंने क्या बोला बेटा, इन दोनों में किसका वैल्यू कम है, 4S, 4S, तो एक्चुअल में गरीब कौन है बेटा, जहां पे n प्लस l का वैल्यू कम हो, तो एक्चुअल में 3D और 4S में कौन गरीब है बेटा, 4S, 4S, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलना चाहिए था, 4S, 4S, 4S. इस तरह से करेक्शन होगा कल, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना बच्चा लोग, कल देखेंगे आगे। n प्लस एल रूल मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, स्टेटमेंट नोट करवा देंगे जैसे अबाव में नोट किए थे, ठीक है ना बच्चा लोग, यस सर। तो आज की सेवा करते हैं बच्चा लोग, समाप्त, बाय बच्चा लोग, कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ, नो सर, ठीक है, बाय सर, बाय सर, बाय सर। Bye.